करते और बात करते हैं राजस्थान रोडवेज में। एक तरफ जहां बसों की संख्या घटती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बसों को चलाने वाले स्टाफ की संख्या भी कम होती जा रही है। प्रदेश में परिवहन साधनों के लिए जनता की लाइफलाइन रही रोडवेज अब सिमटती जा रही है। हजारों पद रिक्त होने से बसों का संचालन कम होता जा रहा है। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रोडवेज प्रशासन लंबे समय से प्रयास कर रहा है। आखिर क्यों हुए स्टाफ की कमी के हालात, कैसे हो सकता है समाधान, देखिए खास रिपोर्ट। प्रशासन को रोडवेज बसों के संचालन फेरे बरकरार रखने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि पिछले 5 साल में रोडवेज में करीब 6,000 कार्मिक रिटायर हो चुके हैं। इससे पहले रोडवेज में 20,000 लोगों का स्टाफ था, जो अब सिर्फ 14,000 ही रह गया है। लेकिन रोडवेज ने 2013 के बाद से कोई नई भर्ती नहीं की है। हालात ये है कि कैडर स्टाफ के हिसाब से रोडवेज में 5,740 पद खाली हैं, जिनमें से 4,960 पदों पर रोडवेज प्रशासन भर्ती करना चाह रहा है। इनमें परिचालक के 8,893 पद स्वीकृत, इनमें से 2,682 पद रिक्त, इतने ही पदों पर भर्ती होगी। ऑडिट जनरल ग्रेड तृतीय के 1,624 पद स्वीकृत, जिनमें 889 पद रिक्त, इतने ही पदों पर भर्ती होगी। आर्टिजन ग्रेड द्वितीय के 1,590 पद स्वीकृत, इनमें 1,029 पद रिक्त हैं, 296 पदों पर भर्ती होगी। कनिष्ठ अभियंता AK54 पद स्वीकृत, 49 पद रिक्त हैं, 7 पदों पर भर्ती होगी। कनिष्ठ अभियंता BK207 पद स्वीकृत, इनमें 131 पद रिक्त हैं, 129 पदों पर भर्ती होगी। सहायक अभियंता निर्माण के 5 स्वीकृत पदों में से 4 पद रिक्त हैं, 1 पद पर भर्ती होगी। कनिष्ठ अभियंता निर्माण के 6 स्वीकृत पदों में से 4 पद रिक्त हैं, 4 पदों पर भर्ती हो। कनिष्ठ विधि अधिकारी के 45 स्वीकृत पदों में से 36 रिक्त पद हैं, 36 पदों पर भर्ती होगी। स्टेनोग्राफर 19 स्वीकृत पदों में से 18 पद रिक्त हैं, 18 पदों पर भर्ती होगी। कनिष्ठ लेखाकार के 230 स्वीकृत पदों में से 202 पद रिक्त हैं, 202 पदों पर भर्ती होगी। संगणक के 148 स्वीकृत पदों में से 64 पद रिक्त हैं, 64 पदों पर भर्ती होगी। क्लर्क ग्रेड द्वितीय के 1,081 स्वीकृत पदों में से 632 पद रिक्त हैं, 632 पदों पर भर्ती होगी। उसका डिसीजन हमने मतलब वर्कआउट तो कर रखा है कि कितनी भर्ती होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल जो रोडवेज की स्थिति है, वित्तीय स्थिति, उसके आधार पे हमने अभी कोई नई भर्ती के प्रस्ताव एज सच नहीं भेजे। लेकिन हम जैसे ही नई बसेस लेंगे तो नई बसेस के लिए हमको कंडक्टर्स और ड्राइवर्स की, या कंडक्टर्स की तो खास तौर से हमको भर्ती करनी ही पड़ेगी, और साथ में कुछ जो उनसे जुड़े हुए अत्यावश्यक जो सेवाओं के से जुड़े हुए लोग हैं उसकी भी भर्ती हमें करनी पड़ेगी। इसके अलावा चालकों के भी करीब 2,500 पद खाली हैं, लेकिन बसों का संचालन प्रभावित नहीं हो इसके लिए रोडवेज प्रशासन ने चालक अनुबंध पर लगाए हुए हैं, जबकि राज्य सरकार इसके लिए भर्ती की अनुमति नहीं दे रही, क्योंकि रोडवेज की आर्थिक स्थिति खराब है और नई भर्ती किए जाने से रोडवेज पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में 4 करोड़ रुपए प्रति माह का भार पड़ेगा। इसके बाद सभी कार्मिकों को नियमित किया जाएगा। 2 साल बाद हर माह 12 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। हालांकि भर्ती नहीं हुई तो रोडवेज के लिए संकट बढ़ जाएगा। नहीं, फ्लीट भी कम हो गई है, फ्लीट भी कम हो गई है, और निश्चित रूप से जो कर्मचारी कम हो गए हैं अब उनको हम कॉन्ट्रैक्ट आदि से भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारी जो क्वालिटी है सर्विसेज की कुछ कुछ जगह वो सफर भी कर रही है। फिलहाल रोडवेज प्रशासन 1,152 नई बसों की खरीद करने जा रहा है। इन बसों के संचालन के लिए करीब 2,500 नए परिचालकों सहित आर्टिजन और अन्य स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए नई भर्ती करनी होगी। राज्य सरकार चाहे तो रोडवेज की स्थिति सुधारने के लिए 5,000 युवाओं को रोजगार भी मुहैया करवाया जा सकता है, लेकिन देखना होगा कि रोडवेज के भर्ती के प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिल पाती है। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।